ये जो घटना घटी है ये बहुत ही दुर्दैवी है, जिस प्रकार से इसमें मृत्यु हुआ है और इसकी जांच करने के आदेश बीएमसी कमिश्नर को दिए हैं। पांच लोगों को सस्पेंड किया गया है, इसमें जो इसके मालिक है, चलाने वाले हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और आईपीसी के तहत और रिलेवेंट सेक्शंस उनके ऊपर लगाए जाएंगे। खासकर इन लोगों की मृत्यु के लिए वो जिम्मेदार है, इस प्रकार से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाएगा। और ये जो बीएमसी के अधिकारी है, बीएमसी के अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा नेग्लिजेंस किया है, ऐसा अगर ध्यान में आया तो उनके ऊपर भी उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर भी इस प्रकार का गुनाह दाखिल करके उनके ऊपर भी फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही में जो बीएमसी को यह भी आदेश दिए हैं कि इस प्रकार के जहां पर भी स्ट्रक्चर से जिसको परमिशन दी है उसका इमीडिएटली ऑडिट किया जाए, और जहां पर बिना परमिशन के ऐसा कुछ चल रहा है उसको तुरंत वॉर फुटिंग पर डिमोलिश किया जाए, यह भी आदेश दिए हैं।